हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अल्यूम केमिस्ट्री चैनल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टूल में आज हम बात करेंगे एंटी मार्कोनिव्स रूल की। सो एंटी मार्कोनिव्स रूल के लिए आप सबसे पहले इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, मार्कोनिव्स रूल होता है। अब मार्कोनिव्स रूल को धक्के मारकर बाहर निकाल रहा है हमारा एंटी मार्कोनिव रूल। कैसे धक्के मारकर बाहर निकाल रहा है, वो क्या लेकर आता है अपने साथ, H2O2 यानी कि परोक्साइड। तो खास बात यहाँ से हमें समझ में आती है कि मार्कोनिव को अगर आपने बाहर निकालना है तो आपके पास वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन परोक्साइड। अगर आपके पास कहीं पर परोक्साइड ग्रुप है तो वहां पर आप अप्लाई करने वाले हो अपना एंटी मार्कोनिव रूल। तो एंटी मार्कोनिव रूल हमारे पास है क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, मार्कोनिव रूल आपका एडिशन होता है, तो एंटी मार्कोनिव रूल भी मेरे पास एडिशन रिएक्शन शो करता है। कैसे करता है, जब आप HBr को ऐड करते हो यानी कि आप एक एसिड को ऐड कर रहे हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर, बट द मेक श्योर इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। खास बात यहां पर यही है कि आपके पास अगर परोक्साइड होगा तो यहां पर आपका एंटी मार्कोनिव रूल लगेगा। रीजन क्या है, यहां पर पूरा कंसेप्ट मैकेनिज्म आपको बताएंगे। देखिए, मार्कोनिव रूल के अंदर अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है और उसमें हम अपना हाइड्रोजन ब्रोमाइड डालेंगे, तो मार्कोनिव के अकॉर्डिंग हमारा 2-ब्रोमोप्रोपेन सबसे ज्यादा यानी मेजर प्रोडक्ट बनेगा। पर एंटी मार्कोनिव के अकॉर्डिंग 1-ब्रोमोप्रोपेन जो बनेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा क्यों, मार्कोनिव में ऐसा क्यों है, एंटी मार्कोनिव में ऐसा क्यों है, ये मैकेनिज्म आपको काफी अच्छा एक्सप्लेन करेगा। वेल, मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगी, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं एंटी मार्कोनिव एडिशन रिएक्शन, और इस इफेक्ट को एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं कार्श इफेक्ट। ठीक है, कार्श इफेक्ट इसका नाम क्यों रखा गया था, बाय द MS कार्श, जो जिन्होंने सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व करी थी, और इस रिएक्शन को या इस इफेक्ट को हम बोल सकते हैं परोक्साइड इफेक्ट ऑल्सो। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर जानना सिर्फ यही था कि एंटी मार्कोनिव की सबसे पहली आइडेंटिटी आपको मिली है कि एंटी मार्कोनिव कहाँ लगेगा, जहाँ आपका परोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। नाउ द पॉइंट इज दैट कि एंटी मार्कोनिव काम कैसे करता है। वेल, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर मेरे पास क्या होता है, HBr होता है। मेरे पास क्या है, HBr। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ रेडिकल का मैकेनिज्म किया जाता है, कार्बोकेटायन या कार्बोएनायन नहीं होता है। एंटी मार्कोनिव का जो इंटरमीडिएट है, एंटी मार्कोनिव का जो इंटरमीडिएट है वो आपका कौन है, फ्री रेडिकल है। तो यहां से आप क्या करेंगे, आपके पास ब्रोमीन रेडिकल निकल कर आएगा। अब वो ब्रोमीन रेडिकल है, दूसरा यहां से क्या निकल कर आया है, हाइड्रोजन रेडिकल। मैं क्या करने वाली हूं, मैं यहां से अपना बॉन्ड ब्रेक करूंगी। बॉन्ड ब्रेक करने पर मुझे एक रेडिकल इधर मिलेगा, एक रेडिकल इधर मिलेगा। ठीक है, दो रेडिकल मुझे यहां पे मिल गए। नाउ द पॉइंट इज दैट जो मेरा ब्रोमीन रेडिकल है, मेरा ब्रोमीन रेडिकल इसके साथ यहां पे कनेक्ट हो सकता है, या फिर मेरा ब्रोमीन रेडिकल इसके साथ यहां पे कनेक्ट हो सकता है। दो ऑप्शन है। अगर वो यहां कनेक्ट होता है तो आपके पास ये एक इंटरमीडिएट बनेगा, अगर वो यहां पर जो अटैच होता है तो ये बनेगा। नाउ द पॉइंट इज दैट अब मुझे जो चेकआउट करना था वो मुझे देखना था मेरा रेडिकल। मेरे पास ये वाला जो मेरा रेडिकल नजर आ रहा है, इसे कहेंगे हम 1, 2, 3, दिस इज द टर्शरी रेडिकल, और ये वाला रेडिकल है 1, 2, दिस इज सेकेंडरी रेडिकल। एज यू नो वेरी वेल कि जो टर्शरी रेडिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है बाय द हाइपर कंजुगेशन। तो यानी कि हमें समझ में आया टर्शरी रेडिकल इज अ मोर स्टेबल, तो यानी कि ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। पॉइंट समझने वाली बात एक और आती है यहाँ पर, वो बात ये है कि इसे एंटी मार्कोनिव कहा ही क्यों गया है। क्योंकि अगर मैं आपको मार्कोनिव के बारे में बताऊं, तो मैंने मार्कोनिव में कहा था जो आपका निगेटिव पार्ट होगा वो वहां जाएगा जहां पर क्या होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे। बट इस बार आपका जो ब्रोमीन है वो कहां जा रहा है, जहां पर कम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है। देखिए, इस कार्बन को मान लीजिए, इस कार्बन को देखो तो 2 एल्काइल ग्रुप थे, और इस कार्बन के साथ सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप है। और जो मेरा ब्रोमीन है वो कहाँ जा रहा है, मेरा ब्रोमीन जा रहा है कम नंबर वाले के पास। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था एंटी मार्कोनिव्स रूल। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। वेल, इसका यहाँ पर मैकेनिज्म बता रखा है कि सबसे पहले आपने मैकेनिज्म में कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। आपका जो स्टेप नंबर 1 आएगा, स्टेप नंबर 1 में आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपको जनरेट करना है फ्री रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज। आपको पता होगा कि अगर ए और बी है और आपको रेडिकल करना है तो वहां पर आप होमोलिटिक क्लीवेज कराने वाले हो। होमोलिटिक क्लीवेज करने के बाद, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हैं कि जैसे ROR है, अब यहाँ पर सबसे पहले होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, आपको एक होमोलिटिक क्लीवेज मिलेगा।
आपको जैसे यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज मिलता है, मेरा सेकेंड स्टेप क्या है, मेरा सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ द जनरेटेड फ्री रेडिकल ऑन द हाइड्रोजन हलाइड टू फॉर्म द हलाइड रेडिकल। अब जो भी आपका यहाँ पे रेडिकल बना है वो सीधा अटैक करेगा मेरे हाइड्रोजन हलाइड पे, ताकि मुझे क्या मिले, अपना एक और रेडिकल मिल जाए। अब मुझे सेकेंड स्टेप में रेडिकल मिल गया, थर्ड स्टेप है जो भी मेरा रेडिकल आया था वो सीधा मेरी एल्कीन पे रिएक्ट करेगा, जो भी मेरा रेडिकल आया था वो सीधा मेरी एल्कीन पे रिएक्ट करेगा। एल्कीन पे रिएक्ट करने के बाद वहां से जो एल्काइल रेडिकल बना है उससे आप क्या फर्दर बनाएंगे, हाइड्रोजन का बॉन्डिंग कर देंगे। सिंपली जो यहाँ पर आपका बना है इसके बाद आपने आपको सिंपली अपने हाइड्रोजन का अटैक कराना था। तो कुल मिलाकर हमारा जो मैकेनिज्म है वो चार स्टेप में मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। सबसे पहले आपको परोक्साइड का लिंकेज सॉरी परोक्साइड की लिंकेज ब्रेक करनी है होमोलिटिक क्लीवेज करा के, फिर आपको सेकेंड स्टेप में ब्रोमिन का रेडिकल करना है, थर्ड स्टेप में आपको एल्कीन पर अटैक कराना है और फोर्थ स्टेप में आपको हाइड्रोजन का अटैक कराना है। तो उसके बाद आप यहाँ पर भी इस मैकेनिज्म को देख सकते हैं, बहुत स्मूथली तरीके से इस मैकेनिज्म को यहाँ पे शो कर रखा है कि कैसे आप यहाँ पर ब्रोमिन फ्री रेडिकल अटैक करता है। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आप समझ रहे हैं इन पॉइंट्स को। एंटी मार्कोनी रेडिएशन हमारा कैसे होता है, सपोज ये मेरे पास क्या है, एक मेरी एल्कीन है, अनसिमेट्रिक एल्कीन है, इसमें मैंने HBr को डाला आयनिक कंडीशन में, या फिर अगर लिखा होगा पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि अब बारी आ जाती है किसके बारे में, अब बारी आ जाती है हमारे एंटी मार्कोनिव और मार्कोनिव में डिफरेंसेस की। यहां पर एक चीज देखेंगे, एंटी मार्कोनिव या फिर आप मार्कोनिव लगा रहे हो, मार्कोनिव आप HCl पे लगा लो, HI पे तो नहीं लगेगा, HBr पे लगा लो, बट एंटी मार्कोनिव सिर्फ और सिर्फ आप HBr के साथ लगाएंगे, नॉट फॉर द HCl एंड द HI। HBr के लिए अगर आपको आयनिक कंडीशन दे रखी है या आपको पोलर सॉल्वेंट दे रखा है तो आप वहां पर मार्कोनिव रूल लगाएंगे। और मार्कोनिव रूल क्या कहता है, मार्कोनिव रूल आपको कहता है कि जहां पर नंबर ऑफ जो एल्काइल ग्रुप है, जहां पर नंबर ऑफ जो एल्काइल ग्रुप है वो ज्यादा होंगे वहां पर आप अपने ब्रोमिन को लगा देंगे। बट अगर आपके पास HBr के साथ लिखा हुआ कि यहाँ पे रेडिकल की कंडीशन है, या उसने लिखा हुआ कि आपको परोक्साइड डाल रखा है, कभी कभी तो वो लाइट या हीट दे देता है। तो ये पॉइंट सबसे खास रखने वाला है एंटी मार्कोनिव के लिए, आप ये देखिएगा हाइड्रोजन हलाइड के साथ या तो आपको परोक्साइड मिलेगा या आपको लाइट मिलेगा, क्योंकि लाइट और या हीट अगर आप डालते हो वो भी आपका कैसा करते हैं, रेडिकल देते हैं। रेडिकल की कंडीशन होती है हीट एंड लाइट, या फिर वो परोक्साइड लिखकर देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट थे आपके, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो आपको एंटी मार्कोनिव रूल लगाना है। एंटी मार्कोनिव रूल कहता है कि वहां पर आप अपने ब्रोमिन को लगाइए जहां पर लेस नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है। आप अपने ब्रोमिन को कहां लगाएंगे, जहां पे लेस नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे लेस नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है इसलिए आप अपने ब्रोमिन को लगा दिया। ये एंटी मार्कोनिव प्रोडक्ट है और ये वाला आपका कैसा है, मार्कोनिव प्रोडक्ट है। अभी हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, अभी हम एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं यहाँ पे, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइएगा। क्वेश्चन है आपके पास कि अगर CH3 यहाँ पर आपका कार्बन है, यहाँ पर आपका CH3, अगेन डबल बॉन्ड CH CH3, आपने इसके अंदर HBr को डाला साथ में H2O2 को, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक क्वेश्चन आपको ये करना है, सेकेंड क्वेश्चन जो आप करेंगे, दो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे, क्योंकि देखो खाली रिएक्शन देखकर या खाली टूल को समझ के काम नहीं होगा, आपको अपना पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। आप सभी बच्चे जो भी सेशन को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि, या आप बाकियों का भी रिप्लाई देख सकते हैं कि सबका रिप्लाई क्या है। तो ये आपके क्वेश्चन है जिसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंटी मार्कोनिव आपको समझ आया होगा। ये था आज का हमारा ऑर्गेनिक रिएक्शन का टूल, एंटी मार्कोनिव रूल। ओके, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।